में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ उनके बेटे और सांसद नकुलनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान कमलनाथ ने गौशाला का भी शुभारंभ किया। छिंदवाड़ा में कन्या विवाह योजना के अंतर्गत कन्या विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 3,300 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ विशेष तौर पर मौजूद रहे। कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में गौशाला का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम में कमलनाथ के बेटे और छिंदवाड़ा के सांसद नकुलनाथ मौजूद रहे। नकुलनाथ ने उनको सांसद चुनने के लिए छिंदवाड़ा की जनता का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार नौजवानों को लेकर चिंतित है। नौजवानों को स्किल सेंटर की जानकारी नहीं है, वो इसका फायदा नहीं उठा पाते। आदिवासी क्षेत्र तामिया को पर्यटन स्थल बनाने इसके लिए कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने नया सवेरा और महिला सशक्तिकरण योजना के बारे में लोगों को बताया। धर्मों के सब जातियों के बच्चे यहाँ आज जोड़ियां उपस्थित है। आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं और मेरा आशीर्वाद। अपने जीवन की यात्रा में यह एक नया शुरुआत है। परिवार ही सबसे बड़ी शक्ति है और परिवार हमें बल और शक्ति देता है, हमारे हौसले बढ़ाता है। ये जो नई आप देख रहे हैं दखल न्यूज।